राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा, बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। राजस्थान में भी होंगे दो डिप्टी सीएम, दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा होंगे उप मुख्यमंत्री। राजस्थान में विधानसभा के स्पीकर होंगे वासुदेव देवनानी, अजमेर नॉर्थ से विधायक वासुदेव देवनानी 2003 से लगातार पांचवीं बार बने विधायक। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रखा था भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव, सर्वसम्मति से भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने दी बधाई, भजन लाल शर्मा ने केंद्र प्रदेश का जताया आभार। राज्यपाल से मिले भजन लाल शर्मा, हाथ जोड़कर राज्यपाल का किया अभिवादन, डिप्टी सीएम बनी कुमारी, पूर्व सीएम वसुंधरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। पहली बार विधायक बने हैं भजन लाल शर्मा, जयपुर की सांगानेर सीट से हैं विधायक, पार्टी ने मौजूदा एमएलए का टिकट काटकर उड़ाया। ब्राह्मण परिवार से भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा प्रदेश में महामंत्री के तौर पर किया है काम। बीजेपी दफ्तर में बधाई देने वालों की उमड़ी भीड़, भजन लाल शर्मा के समर्थकों में खुशी की लहर। भजन लाल शर्मा के राजस्थान के सीएम चुने जाने पर भरतपुर में जश्न जैसा माहौल देखा जा सकता है, परिवार में खुशी। मध्य प्रदेश में कल शपथ ग्रहण समारोह भोपाल में सुबह 11:30 बजे डॉक्टर मोहन यादव नए सीएम पद की लेंगे शपथ। एमपी में दो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम पद की लेंगे शपथ। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए गठबंधन के कई नेता होंगे शामिल। मोहन यादव का उनके घर पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत, बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए घर पर लगा लोगों का तांता। भोपाल में एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोहन यादव से मुलाकात की, सीएम बनाए जाने पर बधाई दी। मध्यप्रदेश के नए सीएम मोहन लाल के नाम के ऐलान के बाद उनके परिवार में खुशी, सुल्तानपुर में उनके ससुराल में बांटी गई मिठाई। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की नई सरकार कर लेगी शपथ, दोपहर 2 बजे होगा समारोह। छत्तीसगढ़ में भी होगी डबल इंजन सरकार, विजय शर्मा और अरुण साव लेंगे उप मुख्यमंत्री की शपथ। दोनों सीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जा सकते हैं। कल विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज, रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में लगाए जा रहे टेंट कुर्सियां। लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीएम योगी ने की शिष्टाचार भेंट, राजभवन में मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ समेत कई न्यायाधीश हुए शामिल। 14 दिसंबर को अमृतसर में मनाया जाएगा श्रोमणी अकाली दल का स्थापना दिवस, सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में 3 दिन के श्री अखंड पाठ साहिब की शुरुआत। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अपनी फिल्म डंकी के रिलीज से पहले किए दर्शन। गाजियाबाद के दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के विद्यार्थी मोहित पांडे बनेंगे अयोध्या में राम मंदिर में पुजारी, 7 साल से यहां वेदों का अध्ययन कर रहे मोहित। एक शोध के मुताबिक ब्यूटी पार्लर में हेयर वॉश कराना हो सकता है घातक, लंबे समय तक गर्दन लटकाकर बैठने के कारण सेहत के लिए खतरनाक। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने किया है सफाई कर्मियों का सम्मान, आर्थिक मदद के लिए दिए सर्टिफिकेट। बिहारवासियों को सीएम नीतीश ने दिया करोड़ों का तोहफा, पटना में टेक्सटाइल पार्क और बिस्किट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। एक दिन के मोतिहारी दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप का किया निरीक्षण। कोलंबिया में क्रिसमस के रंग में रंगे नजर आए लोग, हेरिटेज स्टीम ट्रेन को रंग बिरंगी लाइट्स के साथ रोशन किया। मिचांग तूफान पर तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी शिवदास मीना ने ली समीक्षा बैठक, नुकसान और राहत कार्यों का लेखा जोखा। एनसीपी चीफ शरद पवार का जन्मदिन आज, बधाई देने वालों का लगातार था। सोनीपत के पास नेशनल हाईवे 44 पर सीएनजी पंप पर चला बड़ा हादसा, सीएनजी डलवाते वक्त कार में ब्लास्ट के कारण लगी आग। अभिनेता सनी देओल से नाराज पठानकोट की जनता, चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में एक बार फिर आकर हाल ना जानने के कारण लगाए सनी के गुमशुदा होने के पोस्ट। धारा 370 हटाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पश्चिमी पाकिस्तान रिफ्यूजियों में खुशी की लहर, कोर्ट के फैसले का स्वागत। नोएडा के सेक्टर 123 के पास झुग्गी में लगी भयानक आग, समय रहते पाया गया आग पर काबू।
सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद ने गौ रक्षा को लेकर किया प्रदर्शन, गौ तस्करी के खिलाफ निकाला जुलूस। अमृतसर पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया, उनके पास से 13 पिस्तौल, 24 मैगजीन, 3 किलो हेरोइन और 9 लाख का कैश मिला। एमपी में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में भारत से मुलाकात की, दोनों ने किया अभिवादन। गया पहुंचा पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली का परिवार, जेटली के बेटे और पत्नी ने स्वर्गीय अरुण जेटली और पूर्वजों का पिंडदान किया। चेन्नई में बाढ़ प्रभावित इलाकों का केंद्रीय टीम ने लिया जायजा, राहत कार्यों को लेकर लोगों से बात। केदारनाथ समेत पूरे रुद्रप्रयाग में जबरदस्त ठंड, हिमालय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी में ठंड का असर, लगातार होती जा रही बर्फबारी। गंगोत्री यमुनोत्री में भारी बर्फबारी, हाड़ कंपा देने वाली ठंड से लोग काफी दिक्कत में। चमोली के औली में पर्यटकों को बर्फबारी की सौगात, होटल कारोबारियों के खिले चेहरे। राजधानी दिल्ली में देखी स्मॉग की चादर, खराब श्रेणी में रहा एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में तड़के गाड़ियों की लाइट जलाकर गुजरते दिखे मुसाफिर, स्मॉग से विजिबिलिटी प्रभावित हुई। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मौसम विभाग के मुताबिक बारिश होने के कारण ही मिलेगी प्रदूषण से राहत। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में कई इलाकों में अभी भी जगह जगह जल भराव, बच्चों को नाव पार कर जाना पड़ रहा स्कूल। कांचीपुरम में झील टूटने के कई इलाकों में घुस गया पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। अयोध्या में 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महोत्सव का शुभारंभ, बड़ी संख्या में ज्योतिष हुए शामिल। उज्जैन में की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। पूर्व इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर, गांगुली ने त्रिपुरा के सीएम से की मुलाकात। गोमती में त्रिपुरा के सीएम माणिक साह ने क्वार्टर कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, कर्मचारियों को मिलेगी सहूलियत। अगरतला में भारतीय भाषा दिवस समारोह का आयोजन किया गया, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह हुए शामिल। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। जलपाईगुड़ी में सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हुई शामिल। सीएम ममता बनर्जी का दिखा अनोखा सा अंदाज, बजाया ड्रम। गोवा के वर्ना में 5वें आदिवासी विद्यार्थी सम्मेलन 2023 का आयोजन, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। शिमला में तिब्बती बौद्धों ने विश्व शांति के लिए की प्रार्थना, बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुक हुए शामिल। तमिलनाडु के थूथुकड़ी में प्रसिद्ध महाकवि भरतियार की मनाई गई 142वीं जयंती, प्रतिमा पर की गई पुष्पांजलि। प्रवासी विदेशी पक्षियों से गुलजार हुआ कानपुर चिड़ियाघर, शीतकालीन प्रवास के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी विदेशी पक्षी पहुंचे। दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क बाघों से गुलजार हुआ, दो साइबेरियाई बाघ द्वारा अकामास पार्क में पहुंचे। गंगटॉक में धर्मगुरु दलाई लामा का बोधित्व की 37 प्रथाओं पर एक दिवसीय प्रवचन का आयोजन किया गया। अयोध्या में बन रहे श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में, जल्द शुरू होगी उड़ानें। जमशेदपुर के राम मंदिर परिसर में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, महिला श्रद्धालुओं ने दीप जलाया। इस अवसर पर 21,000 दीप जलाए गए, शहर के कोने कोने में श्रद्धालु एकत्रित होकर भव्य और दिव्य दीपोत्सव के बने साक्षी। तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में आज से वार्षिक वैकुंठ एकादशी उत्सव का शुभारंभ कर दिया गया है। श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर के गोपुरम दीवारों और गलियारों की ड्रोन तस्वीर सामने आई है, भव्य रोशनी से जगमगाता नजर आया शहर। बाराबंकी में श्री लोधेश्वर महादेवा मेला का शुभारंभ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ डीएम ने लोधेश्वर मंदिर में की पूजा। सूरत में दीवारों पर पेंटिंग के जरिए प्रधानमंत्री की लाभकारी योजनाओं को बताया जा रहा, सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा। अमृतसर में खुला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, कम कीमत पर मिल रही महंगी दवाइयां यहां पर। हिमाचल सरकार के एक साल पूरे होने पर धर्मशाला में परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया, स्थानीय कलाकारों ने लोकगीत और लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। मानसा के गवर्नमेंट मेमोरियल कॉलेज में दिव्यदा मेला कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कई तरह की प्रदर्शनियां लगाई। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आईसीसी ने स्केड्यूल का ऐलान किया, 19 जनवरी से 11 फरवरी के बीच होंगे कुल 41 मुकाबले।